जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, मैं थिएटर से फिल्म देखकर निकला हूं आपके साथ डिस्कस करने फिल्म लाल कप्तान। इसके डायरेक्टर हैं मनोरमा सिक्स फीट अंडर और एनएस 10 जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स के डायरेक्टर नवदीप सिंह। इसके हीरो हैं सैफ अली खान। पर इस फिल्म की तरफ आकर्षित होने का सबसे बड़ा रीज़न है इसका कॉन्सेप्ट। वेल एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नया तो नहीं है, पर नए तरीके से दिखाया गया है। शैली के हिसाब से देखा जाए तो ये एक काउबॉय हॉलीवुड वेस्टर्न फिल्म है, यानी कि एक ऐसी फिल्मी दुनिया जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। एक बंदा होता है जो एक गांव के इकलौती सड़क पर बंदूक ताने घुसता है और लोगों पर काबू पाने की कोशिश करता है। यूजुअली ऐसी फिल्म में एक ही कहानी होती है, बदले की या बदले की आग की। आपने शोले तो देखी होगी, वो भी एक देसी वेस्टर्न थी। पर इस जॉनरा में फिल्म लाल कप्तान के थ्रू एक कोशिश की गई है एक ट्विस्ट डालने की। तो यहाँ काउबॉय हीरो कोई बदमाश या डाकू नहीं है, वो है एक नागा साधु। दुनिया बदल रही है, बस एक तू नहीं बदला। जो काल के साथ बदल जाए वो अकाली कैसा। ये फिल्म स्थित है लेट 1700s, मतलब 18वीं सदी में, जब भारत में जंगल राज है, मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल पाने के लिए लड़ रही है बहुत सारे छोटे और बड़े आर्मीज के साथ। अब एक वेस्टर्न फिल्म की तरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस नागा साधु का नाम क्या है, नाम कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट यहाँ नाम है ही नहीं। ज़रूरी ये है कि हम जानें ये किसके पीछे पड़ा है। एक किलेदार के पीछे जो खुद एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा है। इस किरदार को एक्टर मानव विज ने बखूबी निभाया है और जहाँ तक सैफ का सवाल है तो लंबे लट्ठे बाल और लंबी दाढ़ी के साथ एक मेन स्ट्रीम हीरो के हिसाब से वो आपको एज एन ऑडियंस हिला देते हैं। पीरियड फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो ये एक संजय लीला भंसाली टाइप के बिल्कुल विपरीत है। समय वही है, एक तरह से राजा और रानी भी हैं, पर दृश्य बहुत अलग, फिल्म भी बहुत अलग। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, इस नयापन और कॉन्सेप्ट और जॉनरा के साथ फिल्म मेकर्स दर्शकों की अटेंशन को खींच पाते हैं कि नहीं। ये फिल्म चलते चलते थकते थकते बन जाती है एक ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल ड्रामा और एक घर के पॉलिटिक्स की कहानी जो आगे बढ़ती है फिर पीछे आती है, फिर आगे बढ़ती है फिर पीछे आती है, अंत तक आप थक जाते हैं। अंधेर में जो ढेर मुर्दा पेड़ों का सुलग गया झुलस गया लो ज्वाला ज्वाला आ गया काट ही के ढेर में वो खेर जीव जन्म का लो जल गया धुआं हुआ लो स्वाहा स्वाहा आ गया। जहां तक रेटिंग्स का सवाल है, परफॉर्मेंस और कॉन्सेप्ट पर तो मुझे लगता है लाल कप्तान को 4 स्टार्स मिलने ही चाहिए, पर ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट के लिए 2 स्टार्स। वेल मैं ऑडियंस हूँ, I'll go with 2 stars out of 5. चलिए ये तो मेरी राय है, देखते हैं जनता क्या सोचती है लाल कप्तान के बारे में। मुझे बहुत अच्छी लगी, the story was good, dialogue writing was fabulous. सैफ अली खान का महादेव का रूप बहुत अच्छा उसने काम किया, दीपक गुड़ियाल का भी एक अलग भी है। सैफ अली खान बहुत रियल लग रहे हैं इस पिक्चर में और एक एक भी परसेंट आपको कहीं नहीं लगेगा कि आदमी नवाब है। हर किसी को ये जाके मूवी देखनी चाहिए क्योंकि जिनको डिफरेंट कुछ सब्जेक्ट चाहिए। इट्स अ माइंड ब्लोइंग फिल्म, इट्स लवली, इट्स एंटरटेनिंग। लेकिन दीपक जी का काम बहुत ही बेहतरीन है,
उन्होंने इस कैरेक्टर को एक अलग ही पहलू ले आया, मतलब कुत्तों के साथ जा रहे हैं, खुद भी कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्निफ कर रहे हैं। चिल्ला ऐसो के राम, तो के राम बोटे खाता। फिल्म तो मैंने पूरा देखा है, कोई खास फिल्म नहीं है। जो गेटअप है वो रियल में, जो रियल नागा साधु होते हैं वो, जो मेकअप में ना उन्होंने बहुत गजब का काम किया। लोकेशंस तो बहुत अच्छे हैं, एकदम जैसा स्टोरी है उस आपका चेक लोकेशन है। द नागा लुक ऑफ सैफ अली खान इज रियली सेक्सी, ही लुक्स अमेजिंग, सो प्लीज गो एंड वॉच हिम। वेल, ये तो बात हुई इस हफ्ते की रिलीज की। पिछले जो कुछ हफ्ते हुए हैं, इनफैक्ट पिछले जो 3 महीने हुए हैं या क्वार्टर हुआ है, उसके बारे में भी बात करना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो आने वाले हफ्ते हैं, फिल्म गोअर्स और बॉक्स ऑफिस के हिसाब से इसे बम्फोड़ बम्पर माना गया है।